ये देखो ये बुलंद दरवाजा, ये देखिए ये रहा वज़ू खाना। राजस्थानी शरीफ की भीड़ है जो चौखट चूमने के लिए। ये सामने जो नज़ारा आप देख रहे हो ये चौखट का है। जितने भी तमाम आज़ाद देख रहे हैं इस वीडियो को, इंशाल्लाह आपकी सारी जायज़ दुआएं अल्लाह ताला ख्वाजा फ़खर के सदके पूरी करेगा। पार्किंग में आ गए हम, गाड़ी खड़ी कर दिया हमारी। और देखिए रौनक माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत रौनक हो रही इधर। आज 5 शाबान है, 5 शाबान के मौके पर मार्केट है, ये कहना है पार्किंग के बाहर वाला। माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत मार्केट हो रहा है और रौनक भी काफ़ी खूबसूरत हो रही है, बढ़िया रौनक हो रही है। अभी मैं आपको आगे का पूरा दिखाते हुए चलता हूँ व्यू, कितनी प्यारी रौनक हो रही है इधर की। काफ़ी ज़्यादा वो है, यहाँ पर दुकानें लगी हुई है कारपेटों की और कंबल की, चादरों की, इन सब की, आइसक्रीमों का, बच्चों के खिलौने वगैरह की भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे दुकानें लगी हुई, नाश्ते की भी दुकानें लगी हुई है जो काफ़ी बढ़िया है। देखिए बच्चों के झूले वगैरह के तो मस्त लगे हुए हैं। और आज अभी 5 शाबान है, अभी 5 शाबान के मौके पर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से जो चादर शरीफ निकली थी, जिसका मैंने आपको व्लॉग डालकर दिखाई दिया है, वो चादर आज पेश होगी शाम को असर और मगरिब के बीच में। तो उसका भी व्लॉग अलग आएगा, ये वाला व्लॉग सिर्फ चलेगा ज्यारत का, जो कि इसमें आपको मैं ज्यारत कराऊंगा और यहाँ की रौनक दिखाऊंगा। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत रौनक हो रही है। तो आप वीडियो को एंजॉय करना और मेरे को कमेंट कर बताना कितनी अच्छी आपको रौनक लगी और कितनी खूबसूरत आपकी ज्यारत हुई। यहाँ पे ये मग्गे वगैरह मिल रहे, कप वगैरह मिल रहे चाय के, और इधर वो है कढ़ाई वगैरह तवा वगैरह मिल रहे। काफ़ी अच्छा मार्केट लगा हुआ है, बाहर की साइड का इलाका है, जो कि बहुत सारे बंदों को पता होगा जो सरवार शरीफ आते होंगे कि ये तलाव साइड का इलाका पूरा, जहाँ पे दुकानें लगती पार्किंग के इधर से आगे, जैसे आप गाड़ी पार्क पे लगाओगे तो इसके आगे से यहाँ से याला रास्ते पे आपको मार्केट दिख जाएगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से मार्केट अभी खुला हुआ है। मैं मार्केट के अंदर की साइड आ गया हूँ और माशाल्लाह यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, जो कि बाहर से भी ज़्यादा भीड़ हो रही है इधर की। अभी मैं इसमें वाइड एंगल करके आपको दिखाता हूँ और भी ज़्यादा कितना खूबसूरत लग गया वाइड एंगल में यहाँ इलाका। ये देखिए वाइड एंगल कर दिया है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है और कितनी अच्छी रौनक हो रही है। दुकानें काफ़ी अच्छी लग रही थी और काफ़ी बहुत सारी दुकानें लगी रही थी इधर, ये देखिए। ये इधर पहुंच गया मैं ग्राउंड पे, जो कि छोटा सा चौक है मेले का। और सामने देखिए ख्वाजा फ़खर का गेट देखना शुरू हो चुका है। अब अपन अंदर चलेंगे, ज़्यारत करेंगे और आपकी भी कराएंगे। तो पहले मेला ग्राउंड देख लेते हैं, कौन कौन से झूले लगे हुए और यहाँ की मेला ग्राउंड की थोड़ी रौनक देख लेते हैं। वो भाई ड्रैगन वाला भी लगा हुआ, फिर चलेंगे अपन अंदर ज़्यारत करने और देखते कुछ खाते भी है कुछ पीते भी, यार भूख लग रही बहुत तेज। उसके बाद में अपन ट्राई करेंगे कुछ खाने का। और देखिए झूले तो बाबा एक से एक होते, वो ड्राइवर लोग मस्त है। मेला ग्राउंड में आ गए, अब थोड़ा मेला घूमेंगे यहाँ पे। मेला घूमने के बाद में पसीने में लथपथ हो रही है यार, गाड़ी पाए तो बुरी हालत हो गई खतरनाक वाली। इधर तौफीक भाई की भी कैसी हालत हो रही है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही है। अभी थोड़ा देखो कुछ खाते पीते और खा पी कर फिर अपन चलते अंदर ज्यारत करने के लिए, और थोड़ा मेले का भी तो आपको झूले वगैरह दिखा दूँ, फिर अंदर ज्यारत करेंगे और आपकी भी कराएंगे तो वीडियो पूरे जरूर बनी रहेगा। भाई यहाँ पे झूले लगे हुए भाई एक नंबर, ये ड्रैगन लगा हुआ इधर, एक और ड्रैगन, ये तो छोटा वाला बच्चों लायक है और ये बड़ा ड्रैगन है काफ़ी, ये बड़ों के लायक है, मतलब बड़े जने आराम से इस पर झूला खा सकते हैं। ये बच्चों की साइकिल है, वो छोटी कारें वगैरह, वो स्कूटी वाला झूला भी है भाई इधर, तो ये देखो स्कूटी वाला झूला भी है इधर, बढ़िया। जिसको स्कूटी चलाने का शौक है ना भाई, चला लेना इधर, हाँ वही तो स्कूटी का भी है। ये देखो ये थार, और वहाँ पे ट्रेन है जो कि मैंने परचम कुशाई में दिखा दी थी, हाँ 10 रुपये के अंदर थार चला लेना भाई जिसको चलानी है। और ये हेलीकॉप्टर भी इधर, और वो रहा छोटे बच्चों का वो ड्रैगन, जो साल भर के 1.5 साल के 2 साल के बच्चे इस वाले ड्रैगन पर खा सकते हैं। अब वो रहा सामने अंदर मार्केट, अभी अपन जाते कुछ खाते पीते, उसके बाद में आपको अंदर का पूरी ज्यारत करवाएंगे और पूरे अंदर की दरगाह दिखाता हूँ मैं। अभी ये मेले का तो दिखाई दिया आपको, झूले वगैरह कौन कौन से लगे हुए, अब कुछ खा लेते हैं उसके बाद में आपको
मैं अंदर का दिखाता हूँ। हम आ गए दरगाह के पास में, खाना वाना तो हो गया हमारा, बना वीडियो नहीं बना पाया खाने के चक्कर में, थोड़े मिलने वाले जनाब मिल गए थे और जिन्हों के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ, जोर बाबा के मुरीद मिल गए थे, जो उन्हों की तरफ से हमारे को आज उन्होंने खाना खिलाया होटल में बिठा कर, कि क्या आप जोर बाबा के साथ में वीडियो बनाते हो, इसलिए मैं मुरीद हूँ उन्हों का, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए लंगर है। तो उन्होंने हमारे को खाना खिला दिया था, आप अंदर चलते हैं, अंदर जाकर आपकी भी ज्यारत कराते हैं और हम भी ज्यारत करते हैं। ये देखो ये बुलंद दरवाजा, अब चलो चलते हैं अंदर और ज्यारत करते हैं। भीड़ माशाल्लाह काफ़ी अच्छी आ रही है, भीड़ काफ़ी अच्छी रौनक हो रही है। और ये अभी मैं आपको इसी एंगल से दिखाऊंगा, अभी मैं आपको अल्ट्रा वाइट पे दिखाऊंगा पूरी ज्यारत, क्योंकि आपको भीड़ भी देखने के लिए मिलेगी और देखिए पूरा कोना कोना आपको इस एंगल में, अल्ट्रा वाइट एंगल में देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखिए पब्लिक, ये आधे से ज़्यादा पैदल वाली भी पब्लिक है, यहाँ पे बहुत सारी पैदल वाली पब्लिक है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी पब्लिक हो रही है माशाल्लाह। अब अंदर चलेंगे, ज्यारत करेंगे और आपकी भी कराएंगे। हाथ धोकर पेट धोकर वजू बनाकर चलते अंदर ज्यारत के लिए। ये देखो ये वजू आना माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है और भीड़ भी देखो यार कितनी भीड़ हो रही है। ये देखिए ये रहा वजू खाना माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। चलो अपन भी वजू बनाते और चलते अंदर ज्यारत के लिए, पूरी सामने आस्थान शरीफ वगैरह तो बच गया अपना, अब चल रहे अंदर, अल्ट्रा वाइट एंगल कर लूँ मैं अभी। अब अंदर चलते, अंदर चल के ज्यारत करते। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ वो फूल चादर वगैरह ले लेते अंदर पेश करने के लिए, है ना, वोरी डेग यहाँ की रखी हुई सामने डे। अभी अंदर चलेंगे, पर अंदर चल कर ज्यारत करते हैं और वो क्या कहते हैं फूल वगैरह ले लेते यार अंदर पेश करने के लिए, क्योंकि मैं परचम कुशाई के टाइम भी आया था तो अंदर मैंने ज्यारत नहीं करी थी, उर्स मुबारक की पहली ज्यारत है मेरे। और माशाल्लाह कितनी खूबसूरत यहाँ की डेकोरेशन कर रही है यार, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो रही है डेकोरेशन है। अभी अंदर चलते, पहले फूल चादर ले लेता हूँ पेश करने के लिए, फिर अंदर चलते हैं। ये तक की डेकोरेशन देखो माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है, बढ़िया है डेकोरेशन यार, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो रही डेकोरेशन। जी के सामने फूल वगैरह ले लिया हमने अंदर पेश करने के लिए, मेरी हमारी फूल की थैली, थैली में दिया हमारे को फूल 50 का लिया मैंने। अभी अंदर चलते ज्यारत करते और आपकी भी कराते हैं ज्यारत। माशाल्लाह डेकोरेशन तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कर रही है, अंदर की भी डेकोरेशन देखते हैं अंदर की माशाल्लाह कितनी खूबसूरत कर रही है। 4 बज गई यार, कितनी बजे निकला था मैं घर से, 12:30 बजे निकला था मैं घर से, और आने आने में हमारे को 3:30 बज गई थी। फिर वहाँ से आकर हमने खाना वगैरह भी खाया और अभी देखा देखो माशाल्लाह अंदर की तो और भी ज़्यादा खूबसूरत डेकोरेशन हो गई। अपन अंदर आ गए, अंदर की डेकोरेशन देखो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, पब्लिक भी काफ़ी अच्छी हो रही है माशाल्लाह। और देखो अभी अंदर चलते अपन, अंदर जाके ज्यारत करते और आपकी भी ज्यारत कराते, 4 तो बज ही गई है, तो चलिए अंदर चलते अपन। आस्थान शरीफ की भीड़ है, जो चौपट चूमने के लिए लाइन लग रही है पूरी, ये कितनी ज़्यादा लाइन है माशाल्लाह। और देखिए नीचे कवाली का वो प्रोग्राम चल रहा है, और ये देखिए यह घर है, यहाँ पे अगर ले सकते हो आप उसका धुआं ले सकते हो, यहाँ पे चिराग भी चल रहा है माशाल्लाह। चलो आगे का मैं आपको दिखा देता हूँ,
कि यहाँ पे हजरत ख्वाजा फखर के यहाँ से जो व्यू आता है माशाल्लाह कितना खूबसूरत आता है। और भीड़ देखिए, जैसे जैसे शाम का माहौल होता है यार, वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है माशाल्लाह। पानी कितना ज़्यादा पानी भर गया पहले से, पहले कम था, भर गया पानी काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह। ये आस्थान शरीफ का मेन है सामने की चौखट, जो कि चूमने के लिए वो लाइन लग रही थी जो मैंने आपको बताया था। आप ज़ियारत करें, दुआ करें। ये सामने जो नज़ारा आप देख रहे हो, ये चौखट का है, आस्थान शरीफ की जो चौखट है जिसकी लाइन लग रही, जो कि मैंने आपको बता ही दिया कितनी लंबी लाइन हो रही चौखट चूमने के लिए, ये उसी चौखट का नज़ारा है। आप ज़ियारत करें, दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला हज़रत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से आपकी सारी दुख तकलीफ़ परेशानियाँ दूर करेगा अल्लाह ताला। तो आप दुआ मांगे, इंशाअल्लाह आपकी दुआ है, सारी जायज़ दुआ आपकी कबूल होगी इंशाअल्लाह ताला। ज़ियारत हो चुकी है हमारी और आपकी भी ज़ियारत करा दी मैंने। ये देखिए जैसे जैसे टाइम की तरह वैसे से भीड़ बढ़ती जा रही माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी रौनक हो रही है। और वहाँ पर कव्वाली का प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है, कव्वालियाँ शुरू हो चुकी है। अब यहाँ से अपन इसी गेट से निकलेंगे और इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करेंगे, क्योंकि मेरी भी ज़्यारत होगी, आपकी भी ज़्यारत होगी माशाल्लाह। आप जितने भी तमाम आज़ाद देख रहे हैं इस वीडियो को, इंशाल्लाह आपकी सारी जायज़ दुआएं अल्लाह ताला ख्वाजा फखर के सदके पूरी करेगा। आपकी सारी परेशानियाँ दुख तकलीफ़ें ख्वाजा फखर के वसीले से आपकी सारी दुख तकलीफ़ परेशानियाँ दूर करेगा अल्लाह ताला।